जो अवार्ड है महिलाओं का सम्मान का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। हमें ऐसा लगता है श्रीमती मेनका गांधी जी जो महिला बाल विकास की जो मंत्री है, उन्होंने जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले महिलाएं, उनको किस तरह सम्मान दिया जा सकता है, उसके लिए 100 वुमेन अचीवर्स का अवार्ड है ये। आज हम लोगों का सौभाग्य की बात है, देश भर से और विदेशों से जो पब्लिक वोटिंग के माध्यम से फेसबुक के थ्रू सबसे ज़्यादा वोटिंग होने के कारण कम्युनिटी मोबिलाइजेशन श्रेणी में हमको ये अवार्ड यहाँ पर प्रदत्त किया गया है। और हम दिल से जिन्होंने भी हमें वोटिंग किया और पहले नॉमिनेशंस के रूप में हमको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी हमारा यहाँ पर हुआ है ऐसा आज हमें ज्ञात हुआ, ये सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। और ये अवार्ड से मात्र इतना है जो 100 महिलाओं से आज हम यहाँ पर मिले, हमें ऐसा लगा कि महिलाएं इस सम्मान को पाकर और भी ज़्यादा जागरूक होंगी और उनके साथ रहने वाली महिलाओं का सबसे ज़्यादा जागरूक करेंगी कि समाज और अच्छा हो। अभी भी अपना भारत देश का समाज अच्छा है, और अच्छा कैसे हो सकता है। ये अवार्ड तो एक रिकग्निशन है हम सब लोगों का, आगे तो बहुत काम पड़ा है और ख़ासकर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जो सम्मान है, क्योंकि बुंदेलखंड इलाके में मान्यवर नाना जी के मार्गदर्शन में जो कुछ काम हम लोगों ने सामूहिक प्रयत्न से जनता की पहल एवं पुरुषार्थ के आधार पर किया, उसके लिए ये सम्मान अभी प्राप्त हुआ है। फिलहाल हम सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे जैसे लाखों महिलाओं को साथ में लेके जाने की इरादा है और अपने बुंदेलखंड को सबसे ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए हमारा भी बहुत छोटी सी भूमिका इसमें होगी। जब बुंदेलखंड में किस चीज़ को स्पेशल फोकस करेंगे आपने माध्यम से? बुंदेलखंड का यदि अपने को करना तो अपनी संस्कृति सभ्यता सब कुछ है, और अपने कल्चर को ट्रेडिशन को यदि अपने को कंजर्व करना तो महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा है, उस पे ध्यान देंगे तो बुंदेलखंड का विकास। आपका कार्यक्षेत्र भी शुरुआत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में चित्रकूट जनपद से रहा, तो चित्रकूट के स्पेशल लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? चित्रकूट जो आपसे बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हैं, हमारे जो दिल के करीब जो लोग जब भी होते हैं, क्योंकि हम 20 वर्ष चित्रकूट के धरती पर मान्यवर नाना जी देशमुख जी के मार्गदर्शन में पले हैं, बड़े हैं और काम सीखा है, और हमारा परिवार भी यदि बड़ा है, खुद की व्यक्तिगत परिवार भी, तो चित्रकूट है। चित्रकूट की जनता मेरे लिए जनता नहीं है, वास्तव में वो कामतानाथ जी का जो प्रसाद है हमारे लिए वो है। वहाँ के संत महंत जितने भी अपने साधु संत हैं उन सबका हम प्रणाम करते हैं, माँ मंदाकिनी को हम कहते हैं अविरल वो प्रवाहित होते रहे और हमारे जैसे महिलाओं का शक्ति प्रदान करे। और चित्रकूट की धरती की एक एक लोगों को मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ और ताकत मांगती हूँ आगे भी इसी तरह हम लोग उत्साह के साथ खुशहाली का जीवन खुद व्यतीत करें और हमारे साथ रहने वाले हर एक परिवार खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। चित्रकूट की धरती की हम प्रणाम करते हैं और जयकार करते हैं।